यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए, जो कि सीबीटी के स्कोर्स एक्सेप्ट करती है, जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है एंड साथ साथ में लेटरल एंट्री की फैसिलिटी भी रखती है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आयुषी एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द वेरियस बीटेक प्रोग्राम्स एट क्वांटम यूनिवर्सिटी। नाउ गाइस, बीटेक स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक 4 ईयर की डिग्री है जो की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कराती है इन इंडिया। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पॉपुलर नेम हमने सुने ही हैं, जैसे कि IITs, NITs, NSIT, DTU, सारी यूनिवर्सिटीज़ बीटेक कराती हैं। साथ साथ में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि सेम डिग्री कराती है। उनमें से ही आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इट इज़ लोकेटेड इन रुड़की एंड इट हैज़ बीन टैग्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन देहरादून। यहाँ पर एक स्पेशलाइज यूनिट है जिसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आपके बीटेक के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। हैज बीन फीचर्ड इन द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन उत्तराखंड एंड एज द बेस्ट प्लेसमेंट कॉलेज इन देहरादून। हम यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो ये कराते हैं 5 BTech programs, 5 BTech honors programs एंड साथ साथ में एक इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MBA प्रोग्राम भी। कोर्सेज और प्रोग्राम्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ यूनिक फीचर्स अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे USPs क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि स्टैंड आउट करती है उसको इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच आर अवेलेबल। नंबर 1 इज गोइंग टू बी दैट इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। वेल, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स जो भी आपको ऑफर किए जाते हैं वो सारे इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है इस बात पे कि आप वाइड रेंज ऑफ स्किल्स को गैदर करो साथ साथ में। सो बेसिकली आपका एक मेजर सब्जेक्ट तो होता ही जो आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं जिनमें से आप अपना माइनर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कि इसके साथ साथ में मुझे एक और सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको आगे जाके स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। सेकेंड USP here is going to be thoughtfully structured passion programs जिनको props भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी choices दी जाती है कि आप passion को भी develop कर सको एंड इतने सारी choices के बीच में आप choose कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ करनी है। सो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी डिग्री के साथ साथ आप एक स्किल डेवलप कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डिग्री यू कैन शोकेस दैट स्किल एज वेल। द नंबर 3 USP इज गोइंग टू बी द प्लेसमेंट्स। यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, सो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी बॉडी बनाई गई है विच इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम जो सारी प्लेसमेंट प्रोसेस को हैंडल करते हैं। उनका यही काम है, एक्सटेंसिवली उसी को ये वाला काम दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी मानी गई हैं, काफ़ी अच्छी देखी गई हैं एंड हर साल ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा कंपनीज विजिट करती हैं इस कैंपस को। आप इनके पास्ट रिक्रूटर्स को जाके देख सकते हो वेबसाइट पे, जिसका लिंक ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन कुछ ऐसे पास्ट रिक्रूटर्स मैं बता देती हूँ विच आर एक्सिस बैंक, देन योर TCS, देन योर IIT, देन योर महिंद्रा, ऐसे कुछ पास्ट रिक्रूटर्स इनके रह चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वेरियस प्रोग्राम्स दैट आर ऑफर्ड बाय क्वांटम यूनिवर्सिटी। नंबर 1 कैटेगरी इज गोइंग टू बी बीटेक की कैटेगरी। बीटेक के केस में 5 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे जिसमें आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। की बात करें तो ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 4 ईयर्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट इज 10+2 और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ वन ऑफ दीज फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट्स। इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, विच आर केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इसके साथ साथ ही आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर हम टुगेदर लें, विच आर फिजिक्स, सेकेंड मैथमेटिक्स एंड थर्ड, जो भी आप उन चारों में से चूज करोगे, टोटल 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पास किया होना चाहिए अपने 10+2 में। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, वो ये है कि आपको प्रेफरेंस मिल सकती है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अगर आपका एक मेरिट आता है। किस चीज़ में, 3 चॉइसेस है मेरिट लाने के। पहला है अगर आपके जेई मेन जो आप पेपर दिया है आपने उसके अंदर मेरिट हो, मतलब डिपेंड्स कि बाकी स्टूडेंट्स के कितने हैं उसमें, पहला चीज़। सेकेंड होता है क्यू केयर का एक एग्ज़ाम होता है जो कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, बाकी कोर्सेज के लिए वो एज एन एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर उसमें मेरिट हो, आपने वो दिया है उसमें मेरिट हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड थर्डली अगर आपके पास कोई भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट हो इन दैट केस, तो इन 3 केसेस में आपको मिलती है प्रेफरेंस। मूविंग ऑन टू द फीस का चक्कर, तो फीस के केस में अगर आप आउटसाइड उत्तराखंड के हो रहने वाले हो इन दैट केस, द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज गोइंग टू बी बीटेक ऑनर्स। बीटेक ऑनर्स जो है इसमें 4 स्पेशलाइजेशन है। पहला है साइबर सिक्योरिटी, सेकेंड इज
AI और ML, Artificial Intelligence, Machine Learning. Third is Full Stack and fourth is Data Science with iNurture. ये हमारी कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी. यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल की डिग्री है एंड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा सिमिलर है आज जो बीटेक का था, वही सेम है यहाँ पे. साथ साथ में आपको वही सेम प्रेफरेंस मिलेगी. नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज इज गोइंग टू बी द लेटरल एंट्री की कोर्सेज. इसके अंदर 2 कोर्सेज हैं, एक है आपका नॉर्मल बीटेक लेटरल एंट्री एंड सेकेंड आपका बीटेक ऑनर्स लेटरल एंट्री. यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी 3 ईयर्स, 3 साल की ये डिग्री होने वाली है. एंड अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास होना चाहिए कोई भी डिप्लोमा विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, इतना एलिजिबिलिटी है और कुछ भी नहीं. तो फोर्थ एंड द फाइनल कैटेगरी ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी बीटेक प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स. अब क्योंकि काफी सारे लोग हैं इस कॉम्बिनेशन पे जाते हैं कि पहले बीटेक के बाद एमबीए करते हैं, तो यहाँ पर वो इंटीग्रेटेड कोर्स आपको पहले से ही मिल रहा है. द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी 5 ईयर्स. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि गाइज यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, राइट, एंड यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मिला है. सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये लोग इंकरेज करते हैं एंड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं. आपको पार्शियल फी वेवर से लेकर फुल फी वेवर भी मिल सकता है. वन तरीका यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने का इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर क्यू केयर का एग्जाम. अब जैसे कि मैंने बताया क्वांटम यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट देती है कुछ कोर्सेज के एलिजिबिलिटी के लिए, बीटेक ऑनर्स के लिए नहीं लेकिन कुछ कोर्सेज के एलिजिबिलिटी के लिए. लेकिन अगर आपने भी दिया हुआ है तो आपके लिए फायदेमंद प्रूफ हो सकता है. सेकंड अपॉर्चुनिटी कम्स कि आप अपने जेईई मेन की रैंक के बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हो. सो बेसिकली अगर आपको बीटेक या बीटेक ऑनर्स कोर्स करना है एंड अगर आपने जेईई मेन दिया था मेन्स एंड उसमें आपकी जो भी रैंक आई थी उसके बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलती है. इसके अलावा एक और तरीका है विच इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर 12 बोर्ड के मार्क्स. गैस वो तरीका पीछे कैसे रह सकता है, तो जो आपके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की परसेंटेज होती है उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है. दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी, द वेरियस बीटेक प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड एट क्वांटम यूनिवर्सिटी, द वेरियस स्कॉलरशिप्स दैट आर गिवन टू स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे CUET के स्कोर्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो इन किसी भी प्रोग्राम के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में देन यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, मैं आपको रिप्लाई पक्का से करूंगी. इसके अलावा मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye bye.